आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन आलू की सब्जी। बैंगन आलू की सब्जी बनाने के लिए 300 ग्राम बैंगन लिया है। बैंगन को इस तरीके से पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। बैंगन को पानी में डाल के रखा है जिससे कि बैंगन काला ना हो। 250 ग्राम आलू लिए हैं। जिस तरीके से बैंगन काटा है उसी तरीके से आलू के भी पीसेस कर लिए हैं। आलू को भी पानी में डाल के रखा है क्योंकि आलू भी काला हो जाता है। 5-6 कलियां लहसुन के लिए हैं। लहसुन को मोटा मोटा काट लिया है। अब इसको मोटा मोटा कूटेंगे। इसके लिए इसको ओखली में डालेंगे। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था उसको भी पीसों में काट लिया है। 2 हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची को भी इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। इसको भी ओखली में डाल देंगे। मोटा मोटा कूट लेंगे। देखिए लहसुन अदरक हरी मिर्ची को इस तरीके से मोटा मोटा कूट लिया है। इस तरीके से कूटे हुए मसालों से आप जब सब्जी बनाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आएगा। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना। तीनों को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्ची। तेल में मिक्स करेंगे। साथ में ही डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी अदरक हरी मिर्च और लहसुन के साथ में भून लेंगे। प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर साथ ऐड कर देंगे मसाले। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा। सारे मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि मसालों का एक पेस्ट बन जाए और मसाले जले नहीं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही मसालों को भूनेंगे जब तक इनसे तेल छूटना शुरू ना हो जाए और अच्छी खुशबू ना आने लगे। मसालों से तेल छूटना शुरू हो गया है और अच्छी खुशबू आने लगी है, यानी कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। आलू और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आलू को मसाले के साथ में 2 मिनट तक भूनने देंगे। गैस की फ्लेम अभी भी मीडियम ही रखेंगे। आलू को बीच बीच में चला देंगे जैसे कि कढ़ाई की तली में चपक के आलू जले ना। इस तरीके से आलू को 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं आलू को मसाले के साथ में भूनते हुए। अब इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए बैंगन। बैंगन को भी मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। बैंगन और आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बैंगन को भी मसाले के साथ में 1 मिनट तक भूनने देंगे। सब्जी को बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि कढ़ाई की तली में चपक के सब्जी जले ना। 1 मिनट हो गया है बैंगन को मसालों के साथ में भूनते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी को सब्जी में अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम लो कर देंगे। सब्जी में पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 1 कप ही डाला है। अगर आपको सब्जी में तरी ज़्यादा पसंद है तो पानी और डाल लीजिए। बैंगन आलू में तरी लगी लिपटी ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने पानी कम डाला है। सब्जी को ढक के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। सब्जी को बीच बीच में चला देंगे जिससे कि सब्जी हर तरफ से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दोबारा से सब्जी को ढक देंगे। 12 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए। एक बार आलू को कट करके देखते हैं। देखिए आलू आसानी से कट हो रहा है, यानी कि अच्छे से पक गया है। सब्जी में ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी। गरम मसाला और कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सब्जी में खट्टे वाले टमाटर डाले हैं। अगर आपके पास खट्टे वाले टमाटर नहीं है तो 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल लीजिए। सब्जी को ढक के 1 मिनट तक और पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है सब्जी को और पकते हुए। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बैंगन आलू की सब्जी बन के आई है। बैंगन आलू की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।